बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा एक छोटा सा सेटअप जो कि MPPT बेस्ड प्रोजेक्ट है। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल्ला टाउन बदीन के अंदर, जो कि बदीन मेन बाईपास पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाके में हमारे कई 100 प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे ये छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो हमने घर के लिए इंस्टॉल किया। यहाँ पे ये 150 वाट के 2 सोलर पैनल अटैच करना चाह रहे थे, लेकिन हमने इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि 150 2 पैनल जो आपके हाइपर है जिस प्राइस में आ रहे हैं उस प्राइस में आप 550 वाट का ये पैनल लगाएं। तो जो जिनको हमारा लेटेस्ट स्लॉट है उसका ये पैनल है 550 वाट का, ये हमने यहाँ पे MPPT के साथ लगाया ताकि इनका DC सिस्टम जो है वो ईजिली रन आउट हो सके। तो आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाते हैं। तो इस वक्त घर में सिर्फ एक ही AC DC पंखा है, जिसके लिए जो है ये फोनेक्स की जो नॉर्मल बैटरी है वो यूज़ की गई है, 180 वाली 21 प्लेट में ये बैटरी है, छोटे सिस्टम्स के लिए सही समझी जाती है। तो आप ये लगा सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो हमने फैसल का MPPT यूज़ किया है, और फैसल का MPPT काफ़ी अर्से के बाद आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें कुछ अर्सा पहले कुछ कंप्लेंट्स थी जिसकी वजह से हमने इसको लगाना रोका था। लेकिन अब यह है कि हमें जो रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है कम प्राइस के अंदर, तो फैसल के अलावा हमें कोई और MPPT कंट्रोलर समझ में नहीं आता। इस वजह से भी हमने दोबारा से जो है मार्केट कर दिया है फैसल MPPT को। तो इस वक्त आप देख सकते हैं तकरीबन 29 एम्पेयर जो हैं वो हमें सोलर पैनल से रिसीव हो रहे हैं, 28.7। तो ये रिज़ल्ट जो है वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारी बैटरी ऑलमोस्ट फुल है, हमने इसमें मैनुअल सेटिंग की है वेरिएबल के साथ। ये इनके घर का मेन DB बॉक्स है जिसके साथ ये प्रॉपर जो सेटअप है वो प्लान किया गया है, ये देख सकते हैं आप। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इस पर एक रनिंग फैन रनिंग लाइट है, इसी कमरे का हमने फ़िलहाल ये सेटअप सेट किया हुआ है। तो ये पंखा जो है वो इस वक्त सोलर पे रन है, बल्ब इसके साथ लगा हुआ है, सारी जो वायरिंग है वो हमने कंसील की है। फैमिली ने भी यहाँ पे इस घर में मूव होना है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ। इसी तरह से एक बल्ब जो है वो यहाँ पे हॉल में चल रहा है, कमरे के अंदर ये पंखा चेंज होगा, यहाँ पर वायरिंग कर दी गई है, यहाँ पर भी एक सेवर है, और ये लेटर ऑन जो है ये पंखा AC DC में कन्वर्ट करके यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, आई होप कि यू विल लाइक द रिज़ल्ट्स। अगर आपको ये पसंद आया है, इसकी कॉस्टिंग वगैरह के हवाले से अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आई विल लव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।